शिवा पूर्वांचल में पूर्वांचल की शूटिंग, कितना एक्साइटेड है आप? एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा हूँ और मेरी पहली मूवी है भोजपुरी में, तो होप सो अच्छा जाएगा, देखते हैं आगे क्या होता है। किरदार क्या निभा रही हूँ जी? मैं सेकंड लीड में हूँ, हीरोइन का जो मेन लीड है उनकी फ्रेंड का कैरेक्टर कर रही हूँ। आपके हीरो? महेश आचार्य जी। महेश जी के साथ केमिस्ट्री जमाएंगे आप? हाँ, उनके साथ ही है, देखते हैं कैसे स्क्रीन पे कैसा लगता है, लोगों को पसंद आए तो अच्छी। मास्टर जी सबको इतना कंफर्टेबल कर देते हैं कि बहुत इजी है वो, इनको फील भी नहीं होगा और सारे सीन बहुत अच्छे से निकलेंगे। हाँ, पहली बार आप इस फिल्म में हैं और आपकी पहली फिल्म है, आपके साथ बड़े बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनके साथ काम करेंगे, कैसा आपको अंदर से कैसा फील आ रहा है? थोड़ी नर्वस भी हूँ और अच्छा भी फील हो रहा है कि फर्स्ट मूवी और अच्छा इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा लोगों का, तो मुझे अच्छा लग रहा है। इसके पहले आपने क्या क्या वर्क किया? इसके पहले मैंने सीरियल्स किए हुए हैं और मैंने अभी रिसेंटली हॉट स्टार के लिए साजन मूवी की है चंदन रॉय के साथ, और हाँ भोजपुरी की पहली मूवी है मेरी, और मैंने थिएटर शोज़ भी किए हुए हैं भोजपुरी में किए हुए हैं, और बस एड फिल्म वगैरह ही किया मैंने। तो ये थिएटर और ये स्टेज शो और भोजपुरी सिनेमा तरफ से आपको बॉर्न? तो मैं इधर से ही हूँ ना, गोरखपुर से, तो मेरे जो मदर टंग है वो भोजपुरी ही है, तो बहुत बार अप्रोच किया गया लेकिन मेरा कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था भोजपुरी में, बट मेरा एक मेरे जो फ्रेंड है अभिषेक, उन्होंने अप्रोच किया इसके लिए, संतोष जी ने बात की, तो उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छी मूवी है, जो पहले भोजपुरी मूवी बनती थी उससे अलग हटके एक फैमिली मूवी है, तो मुझे लगा कि हाँ शायद मुझे करना चाहिए। अब भोजपुरी में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं तो अच्छा लगेगा काम करके। इनसे मैं यहीं पे मिली, मतलब मैं सारे जितने भी क्रू मेंबर और सारे लोगों से मैं यहीं पे मिल रही हूँ, ऑन टेलीफोनिक सारी बातें हुई थी हमारी, और इनसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा, मुझे नहीं लग रहा कि मैं कहीं किसी नोन अननोन पर्सन से मिल रही हूँ या कुछ ऐसे ही, बहुत फैमिलियर इनका बिहेवियर है यहाँ पे, इवन सबका ही बहुत अच्छा बिहेवियर है, तो अच्छा लगा। तो क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगी, एक फैमिली मूवी है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और होप्स आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, तो हम एक भोजपुरी को अलग लेवल पे देखेंगे इसमें। मैं तो सारी फिल्मों को लेकर, अभी रिसेंटली जितने फिल्में प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उन सब में आप देखेंगे कि सारे लोग कंटेंट पे बहुत वर्क कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठाया या मसाला के नाम पे कुछ भी चेप दे रहे हैं, लोग सारे लोग बहुत वर्क कर रहे हैं। हमारे हीरो के पहले से बहुत ज़्यादा फोकस है कंटेंट को लेके, हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं वो लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं कंटेंट के ऊपर ही, क्योंकि अभी आज की डेट में यही, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो ही ऑडियंस आएगी, क्योंकि आपको ऐसा कुछ नहीं है किसी फेस को लेके स्पेशल ऑडियंस आएगी। तो जैसे पहले कहा, इस बार भी कहूँगी, मेहनत हम लोग बहुत कर रहे हैं, आप लोग प्लीज़ सिनेमा हॉल्स में आइए, थिएटर्स में आइए, सो देट हमारी जो मेहनत है ये फ्रूटफुल हो पाए। कौन कौन फिल्म का आप शूटिंग कर चुके हैं और आने वाले दिनों में कौन कौन से कौन कौन फिल्म शूटिंग होता है? अभी हमारे अभी तो ट्रेलर मेरी बहुत सारी फिल्मों का आया, एक दिनेश जी के साथ हमारी आई है राजा की आएगी बारात, सॉरी आए हम बारात की बारात लेके आई है वो दिनेश जी के साथ, खिसारी जी के साथ आई है राजा की आएगी बारात, और काजल जी के साथ अभी आई हमारी लक्ष्मी बिटिया, तो 8-10 फिल्में हैं जिनका ट्रेलर बैक टू बैक आया है, सारी रिलीज पे हैं, और लाइक गुड न्यूज़ है कि थिएटर्स भी खुल गए हैं तो बहुत अच्छा रिस्पांस आने वाला है। पवन जी के साथ फिल्में हैं जो कि अभी रिलीज़ होने वाली हैं, बहुत अट्रैक्टिव है, अगर आप लोग देखेंगे थिएटर्स में या बीफोर यू पे है तो टी वी पर पक्का आएगी, छठ पूजा में ही रिलीज़ होगी, और मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोग पक्का रोने वाले हैं वो फिल्म देख के। नारी सशक्तिकरण है, हमारे महापर्व छठ के ऊपर है, इसमें रक्षाबंधन भी है, इसमें बहुत सारी बॉन्डिंग है, इसमें वुमेन एम्पावरमेंट भी है, तो आप लोग प्लीज़ पक्का से देखिएगा हमारे लक्ष्मी बेटे, मोस्ट प्रॉब्ली छठ पर रिलीज़ हो जाएगी। थैंक यू बीना जी, सबसे पहले आपको इस फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाई, और कौन सी फिल्म है और कहाँ पे शूटिंग? थैंक यू सो मच, पहले तो आप सभी को, और अभी फ़िलहाल हम लखनऊ में हैं नवाबों के शहर में, और हमारे फिल्म हम शूट करने जा रहे हैं पूर्वांचल, जिसके डायरेक्टर हैं चंदन सिंह जी और प्रोड्यूसर हैं संतोष मिश्रा जी। इस फिल्म में किस प्रकार का क्या भूमिका है इसमें आपकी? मेरी भूमिका इसमें मदर का कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ,
और एक ऐसी कहानी है जिसमें आप एक हीरो को माँ के प्रति समर्पित पाएंगे, आप एक हीरो को अपने शहर के लिए समर्पित पाएंगे, और बाकी जितने लोग उनसे जुड़े हुए हैं उन सबके लिए किस तरीके से वो हीरो स्ट्रगल करता है और उनकी सेफ्टी और उनकी प्रायोरिटीज़ को कैसे सामने लाता है, उससे जुड़ी हुई कहानी है पूर्वांचल की। तो मेन अगर आप देखें तो मैं हूँ इसमें जिसके लिए फाइट हो रही है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं चंदन सिंह जी, उनके साथ आप के बारे में क्या? मैं चंदन जी के साथ पहली बार काम कर रही हूँ, चूँकि हम लोग जानते हैं एक दूसरे को बहुत दिनों से है, बट काम करने का मौका मुझे अभी मिला है। तो काफ़ी एनर्जेटिक डायरेक्टर हैं और बहुत फोकस्ड है, तो मैं आशा करती हूँ कि फर्स्ट के साथ हम नेक्स्ट फिल्म भी करेंगे। ज़्यादातर आपको माँ का रोल दिया जाता है, और कभी आप ऐसा फील करती नहीं मुझे माँ नहीं कुछ और कैरेक्टर करना चाहिए ऐसा? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता, मुझे हमेशा फील होता है कि मैं बनी ही माँ के लिए। कभी कभी आपको लोग माँ बोलते हैं तो कैसा? मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैं बताऊँ, अभी इस फिल्म में पूर्वांचल में भी जो हमारे प्रोड्यूसर है वो मुझे छोटी माँ बोलते हैं, और मुझे बहुत प्यारा लगता है, और मैं तो चाहूँगी कि सब मुझे यही बोले। रितेश जी तो लाइक माय स्वीट हार्ट सन बोल सकती हूँ, रितेश जी के साथ हमने पहले भी काम किया है, और पहले के फिल्मों में भी हमारी सेम केमिस्ट्री जो भी इस फिल्म में होने वाली है, मतलब माँ के प्रति डेडिकेटेड बेटा फुल ऑन, और हमारे इमोशंस बहुत अच्छे से आएंगे क्योंकि हम पहले भी सेम काम कर चुके हैं। यामिनी जी काफ़ी चुलबुली नॉटी एक एक्ट्रेस हैं, और उनको आप देखेंगे तो आपको पूरा वो बॉलीवुड वाला फील आता है यामिनी जी को देख के, और डांसर भी बहुत अच्छी हैं, तो उनके साथ भी पहली बार काम करें, तो आई जस्ट होप कि हमारा ये जो कॉम्बिनेशन है सबको बहुत अच्छा लगे। दीक्षा, मैं वही सोच रही थी, इतना तो आपको नॉलेज है, मुझे तो पता भी नहीं है इस मूवी का। महेश भैया बात करें, आज आप लखनऊ में हैं, पूर्वांचल की धरती पर, उनका नाम भी है पूर्वांचल, ये पूर्वांचल क्या गुल खिलाने वाला और आप लोग पर्दे पे क्या गुल खिलाएंगे? पहले तो हमारे भोजपुरिया दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे सोशल मीडिया का कि जो हमें कवर करते हैं और आप लोगों के पास पहुँचाते हैं और हमारी बातों को आप लोग जान पाते हैं, समझ पाते हैं, तो इसके लिए मैं मीडिया का बहुत बड़ा आभारी हूँ। और अभी हम लोग लखनऊ में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं जिस फिल्म का नाम है पूर्वांचल, है ना, और जिसके डायरेक्टर हैं हमारे परम मित्र चंदन सिंह जी, और प्रोड्यूसर है संतोष कुमार मिश्रा जी, और इस फिल्म में हीरो है रितेश पांडे, हीरोइन यामिनी सिंह, अनूप अरोड़ा जी हैं, सुबोध भाई हैं, मैं हूँ, बीना पांडे जी हैं, आशु तिवारी है, आशु तिवारी, दीक्षा दीक्षा, और उसका नाम वहाँ हो ऊपर नाम नाम भुला नाम भुला नाम भुला एक ऊपर नाम भुला गए हैं तो डीओपी हमारे डीके शर्मा जी हैं, और बहुत ही मज़ा, आज तो शूटिंग हमारे शुरू हुई है, नवरात्र का पहला दिन, और हम लोगों ने आज मुहूर्त किया और बहुत ही अच्छा रहा, आज बहुत ही पाक और पवित्र दिन है, माता रानी का दिन है, और हम लोग मनाएंगे ऊपर वाले से कि हमारी फिल्म कम्प्लीट हो और बहुत जल्द आप तक पहुँचे। जी शुक्रिया आपका कहता, हम यही कहल चाहे आपकी पूर्वांचल नाम से तो समझ में आ जाना चाहिए कि पिक्चर किस टाइप का है, तो आपके पूर्वांचल में ही हम लोग पूर्वांचल की शूटिंग कर रहे हैं, और एक अच्छी फिल्म है, अच्छे लोग हैं, प्रोड्यूसर भी अच्छे हैं, डायरेक्टर भी अच्छे हैं, और हम लोग महेश भाई तो हीरो है भाई इस फिल्म के, रितेश भाई के बाद मतलब पैरलर है ना भाई आपका? हाँ, पैरलर है, खाली पेमेंट पैरलर है वो तो ठीक है, कोई मत बताइए सब मत खोल वाली बात, तो यही है। लुक की बात है, कितना अलग लुक आने वाला आपका? मेरा कुछ लुक तो अलग आएगा, कुछ अलग करेंगे इसको, अभी नहीं बताऊंगा, जब लुक ले लूंगा तो फिर देखिएगा। मैं भी आपका लुक क्या, जैसे आपने लुक चेंज किया है, मेरा जैसे काला बाल हो गया आपका, सब होता है आपका, होता है भाग रहे हाँ। तो मेरा तो इसमें कॉमेडी ही है, और मैं इसमें कोरियोग्राफी भी कर रहा हूँ साथ गाने, और कॉमेडी रोल थ्रू आउट है मेरा, तो आपको एक बार फिर हंसाने गुदगुदाने के लिए आपके सिनेमा घरों में पहुंच रहे हैं हम लोग, और आप लोग इस फिल्म को सिनेमा हॉल में ही देखें, पूरे परिवार के साथ देखें, बहुत ही साफ सुथरी फिल्म बनी है, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा है, बन रही है सॉरी, और इसको जरूर सिनेमा हॉल में जाकर देखें। डायरेक्टर प्रोड्यूसर बात की जाए तो क्या करना चाहेंगे? जी डायरेक्टर संतोष मिश्रा जी हैं, मैंने प्रोड्यूसर संतोष कुमार मिश्रा जी, और डायरेक्टर हमारे
चंदन सिंह जी हैं जिनके साथ मेरी ये शायद पांचवी छठी फिल्म है, मेरी दूसरी फिल्म है, दूसरी फिल्म है आपकी, तो उनके साथ मैं काफ़ी कंफर्ट फील करता हूँ। वो बहुत ही इजी आर्टिस्टों को ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छा से शूट करते हैं और किसी भी आर्टिस्ट को मिसयूज नहीं करते वो कि एक सीन दो सीन करा के छोड़ दिए, जो जिस लायक आर्टिस्ट हो उस लायक वो बराबर उनको रोल देते हैं, तो उनके साथ काम करने में बहुत मजा आता है और आर्टिस्ट बहुत कंफर्टेबल रहते हैं उनके साथ काम करने में। बिल्कुल। किनकी पहली फिल्म है? प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर की। वो उनकी फिल्म पहली बार भले ही है मगर वो बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही मतलब मैनेजमेंट में कोई कमी नहीं है उनका, बहुत ही अच्छा ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि उनकी पहली फिल्म है, ऐसा लग रहा है बहुत पुरानी, मतलब पहले ऐसा उनको देख कर लग रहा है कि पहली फिल्म है लेकिन आखिर नहीं आगे भी बनाएंगे वो फिल्म बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रोड्यूसर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे हैं संतोष कुमार मिश्रा जी, इंसान बहुत अच्छे हैं और हम लोग के साथ उनका ट्रीटमेंट भी अच्छा है, बिहेवियर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो नाइस। सब जानते हैं हीरो के बारे में, आप लोग क्या बोले एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्या बोला यार, रितेश जी है, रितेश भाई यानी हीरो रितेश पांडे जी हैं। आप आजकल रितेश पांडे के साथ ज़्यादा फिल्में कर रहे हैं, ऐसा क्या कुछ है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड ऑफ कास्टिंग कि मैं यश जी के साथ भी काम करता हूँ, खेसारी जी के साथ भी काम करता हूँ, कल्लू जी के साथ भी काम करता हूँ, जितने कंफर्टेबल आर्टिस्ट हैं इनके साथ भी काम करता हूँ। हाँ इत्तेफाक है इन दिनों काफ़ी यश इनके साथ रितेश जी के साथ काम करने का मुझे मौका मिल रहा है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ऐसे आर्टिस्टों के साथ मुझे काम करने का मौका मिलते रहता है, तो मेरी काफ़ी फिल्में इनके साथ, अभी एक करके आया बेगुनाह गुजरात में शूटिंग की थी जिसके डायरेक्टर धीरू जी थे और अभी जस्ट उसके बाद मैं ये करने आया हूँ पूर्वांचल जिसके डायरेक्टर चंदन जी। क्या कह सकते हैं कि जो है कि खेसारी लाल को छोड़ रितेश पांडे जी के साथ आप ले लिए हैं? ये सब कुछ ये सब तो आप हवा है, तो सब सामाजिक तत्व लोग हैं जो बात फैलाते हैं। अभी अब खेसारी भाई का शूटिंग चल रहा था गोरखपुर में, तो मुझे ऐसा नहीं कि मुझे बात फोन आया था कि कीजिए, मगर मेरे पास डेट्स का प्रॉब्लम था, मैं उस वक्त दूसरी फिल्म कर रहा था और खेसारी जी से मेरी हर रोज़ बात होती है, अब नेक्स्ट फिल्म में उनके साथ करने जा रहा हूँ। और हाँ एक ट्रेलर भी आज हमारी रिलीज हुई है, एक शादी ऐसा भी, और एक 12 तारीख को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा जिसके डायरेक्टर पराग पाटिल हैं और प्रोड्यूसर प्रदीप भैया हैं, तो 12 तारीख को सिनेमा हॉल में शर्मा क्लियर कीजिए, दो प्रदीप के शर्मा, और 12 तारीख को रिलीज हो रही है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में और दूर के सिनेमाघरों में, दूर वाले साइकिल से जाए, बाइक से जाए, नज़दीक वाले तुरंत जाके टिकट कटा के 12 तारीख को देखने का लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा लेके जाइए। हाँ लिट्टी चोखा सबको लिट्टी चोखा बताएगा। हाँ बता, लिट्टी चोखा खाने भी और देखने भी, खाने भी और देखने भी भाई। लेकिन नवरात्रि में रिलीज हो रहा है 12 तारीख को, तो आप घर से लिट्टी चोखा बना के जाइए, आप लोग थिएटर में बैठ के खाइए और लिट्टी चोखा देखिए। ये लिट्टी चोखा मत देखिए, सिनेमा देखिए लिट्टी चोखा जिसका नाम है। अपने फैंस और ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? बस अपने फैन ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि आप लोगों को नवरात्रि और दिवाली छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोग स्वस्थ रहिए, माता रानी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे और आप ऐसे हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी सिनेमा और हमारे सोशल मीडिया को ढेर सारा प्यार देते रहें, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें, यही प्रार्थना है आपसे। अभी आ रही है फिल्में, अभी तो यहाँ से करने के बाद जा रहा हूँ फसल करने के लिए और बहुत सारी फिल्में हैं, अभी किसका किसका नाम बताओ, जब आएगा तो फिर देखेंगे। मेरी अभी काफ़ी फिल्में फ्लोर पे आने वाली हैं, अभी तो 12 तारीख को बताया लिट्टी चोखा, एक शादी ऐसा भी खेसारी भाई के साथ, कल्लू जी के साथ, यश मिश्रा जी के साथ, रितेश भाई के साथ, आलोक कुमार के साथ जो सिंगर आलोक कुमार थे, काफ़ी हीरो कल्लू जी के साथ भी आ रही है मेरी, तो है लाइन से फिल्में हैं, अब दर्शकों में बहुत फिल्में हैं, जैसे जैसे फिल्में आती जाएगी हम लोग आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम आप सारी जनता को बताते रहेंगे कि साफ सुथरी फिल्म बनी है, क्योंकि मेरी एक फिल्म टीवी पे आ रही थी B4U पे, थोड़ा गुस्सा थोड़ा प्यार, जिसके प्रोड्यूसर और हीरो यश मिश्रा जी थे और मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके बोला कि मम्मी ये फिल्म देखना, तो जाहिर सी बात है हमने साफ सुथरी फिल्म बनाई है, तभी मैंने अपनी माँ को बोला है और आगे भी जितनी फिल्में आएगी मैं अपने माँ बहन को फ़ोन करूँगा कि आप लोग उस सिनेमा को देखिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि अभी भोजपुरी अश्लीलता से काफ़ी दूर जा चुका है, अभी बहुत सुधार हुआ है और आप लोग देखें सिनेमा हॉल में जाकर के, टीवी में देखें, मोबाइल में देखें, हम तो कोशिश करेंगे कि आप लोग सिनेमा हॉल में जाकर देखें, बहुत मज़ा आएगा। अब भोजपुरी फिल्में ऐसी बनने लगी हैं कि आप पूरे फैमिली के साथ बैठ कर देख सकते हो उस फिल्म को। थैंक यू। तो सर भैया बात करें जो है फिल्म पूर्वांचल की, पूर्वांचल की धरती पे हैं आज उनकी शूटिंग शुरू हुई, आप और आशीष जी आज मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो भोजपुरी दर्शक को प्रणाम करूंगा और ये मेरा भाई है, दिल से भाई नहीं है, एकदम रियल वाला भाई है और फिल्म में भी ये भाई है, तो पूर्वांचल में ये भाई भाई की भूमिका में है ये कहना चाहूँगा और ये बहुत अच्छी फिल्म बन रही है, इसके डायरेक्टर
चंदन सिंह जी हैं और प्रोड्यूसर इसके अरुण तिवारी जी हैं। इस फिल्म के कास्टिंग यामिनी सिंह जी हैं, रितेश पांडे जी हैं, हमारे प्रिय छोटा भाई है, महेश आचार्य जी हैं, बहुत सारे लोग हैं और इस फिल्म संतोष जी हैं, हाँ सुबोध भैया हैं और बहुत सारे लोग हैं। इस फिल्म में अच्छी फिल्म बन रही है और भाई भाई के भूमिका में है, तो वाकई भाई भाई हो गया है। कौन से भाई तरह के भाई होते हैं, कौन से वाले भाई हैं? नहीं, हम फिल्मी भाई हैं, सबसे पूर्वांचल में फिल्मी भाई हैं। शरीफ वाले नहीं, शरीफ वाले भाई तो नहीं है। भाई तो दो तरह के भाई होते हैं ना, भी दिख रहा है शरीफ। फिर ये सर कहां से सराफत दिख रहा है? सबसे बड़ी बात है कि पूर्वांचल से हूं मैं और पूर्वांचल कर रहा हूं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, खून में पूर्वांचल है। सही बात है, दिखता है वो। और बाकी नेगेटिव शेड कर ही रहा हूँ, देख ही रहे हैं आप लोग, 12वीं 13वीं फिल्म है और हैं, सब फिल्में लाइन से चल रही हैं, सब रिलीज पे हैं, अभी रिलीज पे हैं सब, पता ही था क्या चल रहा है। हॉल में भी सब रिलीज होने वाली हैं और बस। भैया क्या किरदार निभाने आपने तो बता दिया, भाई ये नेगेटिव कर रहे हैं कुछ? ये तो मैं बताऊंगा नहीं सर, ये फिल्म में देखना पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन बहुत मैंने सुना है कौशल भैया, बहुत एक मेजर जो एक जो स्टोरी का है, एक मेजर पार्ट है, ये बोलेंगे नहीं बट जब बोलेंगे तो बहुत सारी चीजों का पोल खोल देंगे, इसलिए आप लोग से यही निवेदन है कि फिल्म को देखिए, हॉल में आकर देखिए पूर्वांचल, और पूर्वांचल में भाई को भाई की भूमिका में जरूर देखिए। आशीर्वाद दीजिए, और ये यंग भाई है और बहुत आगे जाए, तरक्की करे, आप लोग प्यार आशीर्वाद से किसको कहाँ पहुंचा देंगे, ये आप लोग के हाथ में है। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए, क्या चंदन जी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, छोटे भाई हैं। मेरे ख्याल से तीसरी फिल्म है आपकी उनके साथ? हाँ, फिल्म तीसरी है, मैं भी तीसरी फिल्म कर रहा हूं। उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है हमारा, छोटा भाई दुलरुआ भाई है चंदन जी, और ईश्वर करे कि खुश रहे, मस्त रहे और हमेशा फिल्म करते रहे कि हम लोग जैसा आदमी बिजी रहे। और हीरो हीरोइन की बात की जाए, हीरो रितेश पांडे जी हैं, अब इनके क्या बात करना है, आप लोग जानते ही हैं, गाने इतने सारे हिट दिए, इतनी बहुत फिल्में दे रहे हैं, सुरीला हीरो पूर्वांचल से है, पूर्वांचल से, ये भी बड़ी अच्छा बात है। यामिनी सिंह जी भी पूर्वांचल से हैं, मतलब लखनऊ की है, तो बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा फिल्म बन रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के डायरेक्टर चंदन भाई के साथ? मैं तीसरी फिल्म कर रहा हूँ, ये जो टीम होती है अच्छी टीम है, अच्छा बॉन्डिंग है और डायरेक्टर टीम एक होती है जो टीम में हम लोग कर रहे हैं, और बाकी अपने को पता ही रहता है क्या स्टोरी है, किस हिसाब से कास्टिंग कर रहे हैं, अगर फिट होते हैं तभी। लास्ट फिल्म बोले तो मैंने बोला नहीं फिट हो तो नहीं करना है, ऐसे नहीं कि कहीं भी डाल दो। दुलरुआ में मैं क्या बोला कि यार मैं अगर फिट बैठ रहा हूँ तभी लेना, ऐसे जरूरी नहीं है। मेरे को वैसे भी काउंटिंग नहीं करने का है कि इतनी सारी फिल्में करो, रोज करो, आराम से करो और थोड़ा देख देख के करो कि प्रॉपर ठीक फिट बैठ रहे हो या नहीं, ये कुछ भी नहीं, इसलिए बहुत कम आप लोग देखते हैं। ऐसे भी चंदन जी बहुत सुलझे हुए इंसान, बहुत कम फिल्में भी मैं करता हूं। यंग डायरेक्टर है और फुल एनर्जी उनके अंदर बहुत सारे है। हम भैया बहुत कम फिल्म कर ला, बहुत गिनल चुनल, और लेकिन आप देखिए लास्ट फिल्म आ रही है समर सिंह के साथ, अपना बना लो, एक बहुत अच्छी फिल्म आ रही है, आप लोग आए होंगे उस टाइम शूटिंग में, तो वो भी फिल्म बन के तैयार है और बहुत जल्दी देसी जो स्टार है अपने समर भाई निशा दुबे सबके साथ, वो फिल्म का ट्रेलर भी मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर आना चाहिए, पूरा रेडी है, अलग फिल्म बनी है, बहुत ग्रैंडियर फिल्म बनी है, बाकी जब आएगा तो आप लोगों को दिख ही जाएगा। साहब की पहली फिल्म है, उनके बारे में क्या? यार बहुत पोलाइट है, उल्टा मेरे को लगता है वो मेरे से बड़े हैं, वो बोलते हैं आप बड़े हो, तो वो भैया बोलते हैं तो मैं भी भैया बोलता हूँ, दोनों एक दूसरे को भैया ही बोलते रहते हैं, और यंग है काफ़ी और अच्छा कॉन्टेक्ट है, बना रहे हैं सबसे इस टाइम लॉकडाउन के बाद बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कौन कौन फिल्में आपकी आने वाली हैं? आने वाली फिल्में हैं मेरे प्यार से मिला दे, पियावा हिंदुस्तानी, उसके बाद डायन है रिलीज पे है, उसके बाद
क्या था ये दरदिया बालम, चल जीले, उसके बाद है चल जीले के बाद बहुत सारे, अभी नाम सब याद नहीं आ रहा है, बट लगभग 10-12 फिल्में हैं जो आने के लिए तैयार हैं। मेरी तो बहुत सारे फिल्में हैं, जैसे कल्लू जी के साथ है, प्रमोद जी के साथ है, रितेश जी के साथ है, तो हम लोग का तो आप लोग को पता है कि हम लोग फिल्म में कितने देर के लिए रहते हैं, लेकिन नहीं तो 10 से ऊपर फिल्म है। कौन कौन सा फिल्म का नाम प्रमोद, प्रमोद भाई के साथ है यार, यार बदलना जाना, मैं वो और तनुश्री ट्रायंगल लव स्टोरी है, वो भी रिलीज के लिए रेडी है। 3-4 फिल्म तो भाई के साथ ही है, बाकी प्रमोद भाई के साथ है, कल्लू भाई के साथ है, और मतलब इस साल बिजी भी हम, तो आप लोग का आशीर्वाद है। और क्या, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे बिजी रहिए माता रानी, आज नवरात्रि है तो माता के भक्तों से एक बार प्रेम से बोलेंगे जय माता दी। जय माता दी। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।